खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में आज का इतिहास। चलिए दोस्तों, जानते हैं 16 फरवरी से जुड़े देश और दुनिया के इतिहास के बारे में। लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच 1914 में पहले विमान ने उड़ान भरी। लुथियाना ने 1918 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 16 फरवरी 1969 में मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर डाक टिकट जारी किया गया। जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 16 फरवरी 1982 में पहली बार कलकत्ता में किया गया था। मैरियो सोरेस 1986 में पुर्तगाल के प्रथम असैनिक राष्ट्रपति चुने गए। पनडुब्बी से पनडुब्बी पर वार करने की क्षमता वाले मिसाइल को 1987 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इराक पर अमेरिकी व ब्रिटिश विमानों ने 16 फरवरी 2001 में हमला किया। विश्व की पहली क्लोन भेड़ डोली को 2003 में दया मृत्यु दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2008 में इसी दिन पार्श्व गायक नितिन मुकेश को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2008 में आज ही के दिन राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया था। मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थोरले माधवराव का जन्म 16 फरवरी 1745 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म भी आज ही के दिन 1996 में हुआ था। भारत विद्या से संबंधित विश्व के प्रख्यात विद्वान राजेंद्र लाल मिश्रा का जन्म भी आज ही के दिन 1822 में हुआ था। भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर का जन्म 16 फरवरी 1978 में हुआ था। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज।